हेलो गाइस, मॉम्स आर्ट एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत है। ये मैंने ब्लैक कैनवास तैयार किया है, इसके लिए मैंने शीट ली है, उसको ब्लैक कपड़ा पेस्ट कर दिया है और दूसरी साइड मैंने ये न्यूज पेपर पेस्ट कर दिया। इस प्रकार ये एक ब्लैक कैनवास तैयार हो गया है। अब मैंने इस पर एक पेंटिंग ड्रॉ की है, ये मैंने ऑयल पेस्टिंग से पेंटिंग ड्रॉ की है। एक बर्ड है जो कि पेड़ की टहनी पर बैठी हुई है। ये एक मिनी कैनवास तैयार किया है और मैं इस पर फैब्रिक कलर से पेंटिंग करूँगी। अब मैंने इसमें सबसे पहले वाइट किया है और उसका जो हेड है और जो पंख है वो मैंने ब्राउन कलर के किए हैं। पेंट की पेड़ की टहनी भी मैंने लाइट ब्राउन से की है, उसके बाद मैंने ये लाइट ब्राउन कर दिया है, उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन से इसकी शेडिंग दी है। इस प्रकार ये पेड़ की टहनी तैयार हो गई है। और ये मैंने आईज बना दी है इसकी। ये मैंने पंख तैयार कर दिए हैं और ये मैं पंख की शेडिंग दे रही हूँ। इसके लिए मैंने पहले लाइट ब्राउन किया और इस प्रकार मैंने इसके पंख की शेड देते हुए इसको हल्के हाथों से शेडिंग किया है। इसी प्रकार मैंने अपने सारे पंख बर्ड्स के कंप्लीट कर दिए हैं। हल्के हाथों से इसको शेडिंग दीजिए और पर की शेड देते हुए इसकी शेडिंग कर रही हूँ। और इस प्रकार ये पंख मैंने बना दिए हैं। डार्क ब्राउन की शेडिंग देने से पंख की शेप और अच्छी आ जाती है और देखने में ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब मेरी पंख की शेडिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैंने पत्तियों के लिए कलर तैयार किया है, उसमें वाइट और येलो मिक्स कर दिया है और मैं लीफ की शेपिंग देते हुए पत्तियां बना रही हूँ। पत्तियों में पेंट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने वाइट और येलो को मिक्स करके उसमें कलर किया है और हल्के हाथों से इसको हल्के ब्रश से पूरी कंप्लीट कर दिया और एक लीफ की शेपिंग दे दी है। देखिए शेप कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको डार्क करूँगी। इसके लिए मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया है। ये डार्क ग्रीन कलर की मैं आप इसमें शेप दे दूँगी। इसमें इस प्रकार मैंने ये पत्ती की शेप देते हुए कलर कर रही हूँ। प्रकार सभी का पत्तियाँ मैं कंप्लीट कर लूँगी और ये मेरी पत्ती एक तैयार हो गई है जिसमें मैंने डार्क ग्रीन से पत्ती की शेप दे दी है। आप इसी तरह बनाइए। ब्लैक कैनवास पर पहले लाइट कलर करना होता है, उसके बाद डार्क। इसी प्रकार मैं दूसरी पत्ती भी कंप्लीट कर दूँगी। पहले मैंने लाइट किया है येलो और ग्रीन मिलाकर और इस प्रकार ये दूसरी लूप भी कंप्लीट हो गई है। पैर तो धो ले। इसी प्रकार मैंने तीसरी पत्ती भी कंप्लीट कर ली है। इसी प्रकार मैं ये तीन से चार पत्तियां कंप्लीट कर लूँगी और मैंने इस प्रकार ये पहले लाइट किया, उसके बाद सभी पत्तियों में डार्क ग्रीन से शेडिंग दी है। ये बर्ड एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई है जिसमें दो से चार पत्तियां हैं और थोड़े से कुछ फ्रूट्स लटक रहे हैं, वो भी मैं आगे ड्रॉ कर दूंगी और उनमें पेंट करूंगी। यह मैंने चौथी पत्ती कंप्लीट कर दी है। पहले लाइट किया है और इसके बाद मैंने ये
लाइट कंप्लीट हो गया है और इसके बाद डार्क से मैं कंप्लीट कर दूंगी। ये डार्क कलर की मैंने शेड दे दी है, तो पत्ते की शेप आ गई है। देखिए पत्ते कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है। इसी तरह मैं 3 से 4 पत्तियाँ तैयार कर लूँगी। अब मेरी ये पत्तियाँ कंप्लीट हो गई है। लास्ट में मैंने डार्क की शेडिंग दे दी है। अब मैं फ्रूट्स के लिए पहले फ्रूट्स की शेप देती हूँ। छोटे छोटे फ्रूट्स हैं, उनमें वाइट कलर किया है। वाइट कलर करने के बाद मैं उसमें रेड कलर से कर रही हूँ, जिससे कि फ्रूट की शेप आ जाए। इस प्रकार मैंने सारे फ्रूट्स उसमें, जो कि एक पेड़ की टहनी में लटके हुए हैं, वो मैंने बना दिए हैं, पेंट कर दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे भी फ्रूट्स मैंने बना दिए हैं। पहले वाइट किया, उसके बाद रेड किया है, जिसकी शेडिंग अच्छी आ जाएगी और ये देखने में फ्रूट्स की शेप लगेगी। इसी प्रकार मैंने ये फ्रूट्स की शेप देते हुए कंप्लीट किया है। अब ये पेंटिंग लगभग कंप्लीट होने वाली है। अब मैंने इसमें थोड़े से फ्लावर्स वाइट कलर से ऐड किए हैं, जो कि आगे हैं। अब हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। इसमें अभी थोड़ा सा काम है, जैसे कि पूंछ रह गई थी इसकी, बर्ड्स की, तो वो भी मैंने लाइट ब्राउन से पहले, उसके बाद डार्क ब्राउन से शेड देते हुए कंप्लीट कर दी है। ये देखिए इस प्रकार हल्की हल्की शेड देते हुए मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अब पार्ट्स कंप्लीट हो गई है और हमारी पेंटिंग भी कंप्लीट हो गई है। देखिए ये मिनी कैनवास पर कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग लग रही है। आप भी इसे बनाइए और बताइए और कमेंट करके बताइए कि ये पेंटिंग देखने में कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। और यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये छोटे छोटे फ्लावर भी ऐड कर दिए थे मैंने, और ये देखने में पेंटिंग और भी ज़्यादा कैनवास पर।